तो भाई ये देखो, मैं आपको सामने का लुक दे देता हूँ भाई इस आर्मी ट्रक का। टेंट और बचा है मैं चढ़ने के लिए, और एक व्यू दिखाता हूँ। वाह, अरे देखो भाई, हमने नहा लिया और उसके बाद भीड़ कितनी बढ़ गई। देखो भाई, पूरा म्यूजिक सिस्टम ये सब लेके आए हैं, फुल डीजे पार्टी। तो भाई यार, सभी को राम राम, वेलकम बैक टू एकेशा फिटनेस। और भाई आज का वीडियो जो होने वाला है वो कम्प्लीटली एक व्लॉग वीडियो होने वाला है, वन डे व्लॉग आप इसे बोल सकते हो। तो आज हम जा रहे हैं भाई शिशुपाल पर्वत, जो कि है सरायपाली में, ठीक है, रायपुर से अराउंड 180 किलोमीटर दूर है, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर समझ लो, ठीक है, क्योंकि सरायपाली 180 और बाकी 15-20 किलोमीटर पर्वत तक जाने में, ठीक है। तो अपने को वही अराउंड 3 घंटे लग जाएंगे यहाँ से जाने में। तो भाई अपना दोस्त भी रेडी है, अपने ड्राइवर भैया भी रेडी हैं, बस दो सर आ रहे हमारे, बस वो दोनों को आते ही हम जल्दी से निकल जाएंगे। और मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, कैसा है क्या है सब आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो फाइनली यार हम सरायपाली पहुंच गए हैं, और भाई उधर हमें जाना है उस साइड जो अभी 30 किलोमीटर दूर है। तो अभी यही हम भाई ढाबे पे रुके हैं खाना खाने। क्या है उधर, अब कुछ मिलेगा नहीं, सब बोल रहे हैं। बढ़िया, अभी नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता क्या खाने, क्योंकि अब उधर से हम सीधा 3-4 बजे ही लौटेंगे। तो भर पेट खा के 30 किलोमीटर दिख रहा है यहाँ से, लेकिन वो 30 किलोमीटर दूर है, हमें वहाँ पर जाना है। तो भाई काफ़ी अच्छा रोड है। आप सर कैसा, मज़ा आ रहा है? बहुत एंजॉय। देखो भाई, अभी हम चाय एंजॉय कर रहे हैं भाई, और आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा है, तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये छोटा सा ढाबा है, वहीं पे रुके हैं, चाय पी रहे हैं, अभी नाश्ता के लिए भी बोले हैं। तो अलग ही फील है यार, बहुत सही, मज़ा आ रहा है कि नहीं। अभी चलते, बढ़िया ऊपर का सीन अभी और मस्त है, थोड़ा सा मेहनत है चढ़ने का, लेकिन मज़ा आएगा। तो बस नाश्ता करके निकलते हैं। सो भाई गाइस, देख लो अभी हम कहाँ हैं। रास्ते में हमें मिला भाई आर्मी ट्रक, जो कि भाई बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ भी है, जो भैया ने अभी बताया। वो देखो जा रहे भैया नहाने। तो ये देखो हमारे सर जी भी, और भाई काफ़ी बड़ा है भाई, एक मिनट नीचे उतर के आपको दिखाता हूँ मैं। सो ये देखो भाई आर्मी ट्रक, ये अभी जा रहा है बांग्लादेश बॉर्डर के पास, ठीक है, ये अभी जा रहा है कोलकाता बांग्लादेश बॉर्डर के पास ये जाएगा, और भाई काफी बड़ा है, क्रेजी है भाई, क्रेजी। देखो अभी मैं वहां बैठा था, ये सब पिद्दी सा लग रहा था। सो भाई ये देख लो कैसा इसका डिजाइनिंग है, बम प्रूफ है और बुलेट प्रूफ इसका, देख रहे हो नीचे, इसको देख रहे हो कैसे बनाया गया, इसलिए बम प्रूफ है। ये देखो भाई, एक नंबर भाई, सल्यूट टू भाई इंडियन आर्मी, आप लोग भी सल्यूट कर दो भाई। सो फाइनली यार हम पहुंच गए हैं शिशुपाल पर्वत, और अपनी चढ़ाई हो गई है चालू। क्या नरेश भाई, ये देखो भाई कितनी सीढ़ी चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई है, कदम हमें फूक फूक के रखना पड़ रहा है भाई, कदम फूक फूक के रखना। क्या सर जी, और कुछ नहीं फूक सकते क्या, और यहाँ क्या फूकेगा रे,
ये सब भाई हम लोग फिटनेस इन्फ्लुएंसर है तो भाई फूकने फाकने की सब बातें अपन करते नहीं, हम ये सब करते भी नहीं और दूसरे को भाई ये सब से हम रोकते भी हैं। सिगरेट दारू बहुत बुरी चीज़ है भाई, ये सब से आप दूर रहिए, ठीक है, और ऐसे ट्रैकिंग करिए अपने हेल्थ और फिटनेस के लिए। देखो भाई क्या सीन है, अपने को वहाँ ऊपर जाना है। चलो भाई, सो यार अभी ऑलमोस्ट सिर्फ 200 मीटर ही हमने अभी चढ़ाई की और पूरा सीधा चढ़ाई है यार। देखो भाई, अरे भाई पूरा जंगल ही है समझ लो, जंगल के बीच से पूरा रास्ता है, अरे पूरा सीधा चढ़ाई है। अभी 700 मीटर और ऊपर जाना है, 1 किलोमीटर है बोले हैं, 1 किलोमीटर सीधा चढ़ाई, तो 1 किलोमीटर सीधा चढ़ाई मजाक नहीं है भाई, ठीक है। देखो पसीने निकल गए सिर्फ 200 मीटर में ही, एक्चुअली थोड़ा उमस भी है अभी, बारिश गर्मी इसीलिए। और भाई काफ़ी अच्छा है। और ये देखो नरेश भाई वीडियो बनाते हुए, और हमारे चंद्र सर योगासन करते हुए, वेरी गुड, लगे रहो सर वहीं पे चक्रासन करो ना सर। आना है भाई, आओ, बहुत सही जगह है, रास्ता भी आपको एकदम दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ वही लोग आए भाई जो चढ़ सकते हैं, क्योंकि नहीं तो आप नीचे ही रहोगे या फिर धीरे धीरे, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है, ठीक है। जिनको घुटने का कमर का दिक्कत है भाई, मेरे ख्याल से तो शायद ही आ पाएंगे वो, क्योंकि एकदम सीधी चढ़ाई है। अभी मैं आपको ऊपर जब जाऊँगा, देख लो, ये देखो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये देखो पूरा ऊपर जा रहा है भाई, काफी अच्छा जगह है, मजा आ रहा है। थोड़ा सा 700-800 मीटर और ऊपर जाना है, ठीक है, शिशुपाल पर्वत भाई, बहुत मजा आ रहा है। अब चलते ऊपर, ऊपर से नजारा देखते। चल, चल, चल। तो भाई अब हम आगे चलते हैं, यहाँ अपन ने थोड़ा रेस्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमारे जो सबसे मेन टूरिस्ट गाइड हैं, ठीक है, ये हमें आज यहाँ लेके आए, वो थक गए हैं। और भाई ये चश्मा इसीलिए पहने कि उनकी आंखों के जो अभी समझ रहे हो ना थोड़ा इसलिए चश्मा पहने हैं, और अपन तो भाई धूप से बचने के लिए चश्मा पहने हैं। और देखो भाई धूप भी आ रहा, काफी अच्छा जगह है भाई, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आप यहाँ, क्या नाम है जगह का, शिशुपाल पर्वत आओ और ट्रैकिंग करो, बढ़िया, खूब मजा आ रहा है। अब चलते हैं आगे, चलो भाई उधर से। तो देखो भाई पूरी खड़ी चढ़ाई है, कितना स्ट्रगल के साथ हमारे दोनों सर चढ़ रहे हैं, और सम्यक और मेरा तो तुम जानते ही, अरे देखो मैं यहाँ भाग सकता हूँ और नरेश सर अभी गिर गए थे। उफ भाई मजा आ गया, ये देखो भाई पूरी खड़ी चढ़ाई, तो सीधी सी बात है यहाँ तो हर कोई नहीं आ सकता, यंगस्टर ही आ पाएंगे यहाँ, तो यहाँ पे मेनली यंगस्टर ही आ पाएंगे भाई, क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई है, ऐसा भी नहीं कि सीढ़ी बना है चढ़ते जाओ। ओ भाई देख रहे हो कैसा पत्थर है भाई, और भाई नीचे देख के ही चलना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ऊपर देख के आप चल नहीं सकते। चलते रहो चलते रहो भाई, अभी अपन आधे रास्ते पहुँचे हैं, और नरेश सर की फट के चार हो गई है, और चंद्र सर की भी, और सम्यक की भी, और आप तो मुझे जानते ही हो, इसकी फट के चार हो गई वाकई में, देख रहे हो, अरे भाई आप तो मुझे जानते ही हो। देखो भाई गर्मी फुल है भाई, उमस कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अरे पानी पिलाओ भाई, बेचारा मर रहा है, इनके घर पे हम क्या जवाब देंगे, कुछ हो गया तो कौन था नरेश, भाई शहीद साधक को प्राप्त हुए ट्रैकिंग का, भाई हिम्मत वाले ही यहाँ आना, जिसके जी में डी हो, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा था, ठीक है भाई, रायपुर वाले आने ही मत और रायपुर वाले आने ही मत, आपका थंबनेल रहेगा, अरे बॉडी दिखा दो भैया, हाँ रायपुर वाले टल्ली होके आना भाई, क्योंकि ऐसे ऐसे तुम चढ़ नहीं पाओगे, देखो भाई ऐसा उठा के चढ़ना पड़ता है, देख लो भाई प्री वर्कआउट लेके आना, प्री वर्कआउट दो स्कूप लेना, एक स्कूप में कुछ नहीं होगा, दो स्कूप लेके आना तभी, हाँ भाई एक नंबर, मजा आ रहा है। तो भाई चलो चलो आगे बढ़ते हैं, और आना भाई बिल्कुल आओ, लेकिन गूदा लेके आना अंदर, वाह कसम भाई अभी आधा किलोमीटर चढ़ाई हुआ है, मजा आ रहा है, क्या अभी थोड़ा उमस ज्यादा है करके ना दिक्कत थोड़ा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यार, यहाँ यहाँ तो अब अपन हर 6 महीने में आएंगे,
इससे अच्छा वर्कआउट क्या होगा यार। ठीक है, दो बार आएंगे साल में, दो बार आएंगे। अरे देखो भाई, अब यहाँ से नज़ारा थोड़ा सा दिखना चालू हो गया है। ओ भाई ये देखो, वाह क्या सीन है ये देखो भाई, वाह। चलो भाई रुकना नहीं है, चढ़ाई करते रहते हैं भाई। कई लोग तो बहुत थक जा रहे हैं। ये भाई लोग रायपुर से हैं, ठीक है, 4-5 गुना होते हैं। एक नंबर भाई, बहुत सही जगह यार। एक्सक्यूज मी भाई, वेरी गुड। माउंटेन ड्यू पी के चढ़ाई करना है भाई, उसके बिना नहीं चढ़ पाओगे। और भाई फाइनली बस 10% और बचा है मैं चढ़ने के लिए, और एक व्यू दिखाता हूँ। वाह ये देखो क्या व्यू है भाई। और ये देखो भाई पानी भी यहाँ से आ रहा है, और भाई यहाँ से बहुत आराम से जाना पड़ता है, देख लो बहुत फिसलन है, लेकिन उसके साथ ही इतना अच्छा नज़ारा। और यहाँ तो बहुत आराम से आपको जाना है, ये देख लो भाई क्या स्लोप है। देखो यहाँ से पानी निकल रहा है, मुँह हाथ धो लेते हैं भाई। बढ़िया ओ भाई, बहुत गर्मी है भाई, मजा आ गया, लेकिन वर्थ है, इतना चढ़ना भाई वर्थ है। ये देखो ये व्यू देखो, मेरे घर में कुछ गाली देते हैं लेकिन ठीक है, बोलते सेफ ज्यादा तो कुछ नहीं। हाँ और क्या भाई, तो बोलते फिर भी मत, मतलब भाई ये नजारा देखो भाई, ये नजारा देखो, आह बहुत बढ़िया जगह है भाई। सो फाइनली यार हमें जहाँ पहुँचना था शिशुपाल पर्वत के टॉप पे हम आ चुके हैं, और भाई क्या नज़ारा है भाई, वाव जस्ट वाव। ये देखो बहुत सही जगह है भाई, बिल्कुल यहाँ पे आओ, मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूँगा, बेस्ट जगह है एज ए शॉर्ट ट्रिप के लिए। मतलब एक दिन में ही आप यहाँ ऊपर आए चढ़े, मतलब अपना आधा दिन में कंप्लीट, ऐसा ट्रिप है। बहुत मज़ा भी आता है, 1 किलोमीटर का चढ़ाई कुछ ज़्यादा नहीं, हम 40 मिनट में चढ़ गए, बाकी लोग अभी चढ़ ही रहे हैं क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, बहुत पत्थर है। और ये आगे भाई झरना है, अभी अब अपन थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करके आगे जाएंगे, यहाँ लोग नहा भी रहे हैं, और ये भाई पूरा वहाँ आगे जाके गिरता है। ठीक है तो अभी अपन आगे जाएंगे, थोड़ा अभी सर लोग रेस्ट कर रहे हैं, अपन भी रेस्ट करके आराम से थोड़ा खा पी के फिर नहाते हैं, बढ़िया जम के नहाते हैं। और बहुत सही जगह है, मैं बोलूँगा बिल्कुल यहाँ आओ, मस्ट विजिट है यार। अगर आप रहते हो छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे ऐसे मतलब पहाड़ी पहाड़ और झरने तो बहुत है छत्तीसगढ़ में, लेकिन आप रायपुर के आसपास रहते हो, ठीक है, रायपुर बिलासपुर, तो ये तो मस्ट विजिट है, ठीक है। लेकिन वही यहाँ दिक्कत ये कि आप यहाँ यंगस्टर ही आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई सेफ्टी ये सब कुछ नहीं है कि आप चढ़ रहे हो तो रेलिंग लगा है, कुछ नहीं है भाई, खड़ी चढ़ाई है, हल्का सा बैलेंस बिगड़ा गिर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ यंगस्टर्स के लिए मिली, और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ यंगस्टर ही हैं। अरे देखो सिर्फ यंगस्टर ही हैं, आपको ना यहाँ कोई ऐसा कोई 40 प्लस का कोई आदमी नहीं दिखेगा, सब 40 के नीचे ही हैं। तो ये भाई यंगस्टर के लिए जगह मैं बोलूँगा, और बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह। सिर्फ एक मैं ही हूँ, और सर 40 की उम्र में एक सिर्फ मैं ही हूँ भाई। 40 कहाँ सर, सर की जवानी तो अभी चालू हुई है भाई, देख रहे हो भाई, मैं 16 साल का, देख रहे हो सर 16 साल के हैं भाई, और हमारे बीच सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी नरेश सर। भाई इन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, अगर मैं गिनाने बैठ गया तो ये ब्लॉग 10 घंटे का है, तो ये ब्लॉग 10 घंटे का बन जाएगा। चलो अभी थोड़ा बढ़िया रेस्ट करते हैं, फिर नहाते हैं, और बाकी आपको आगे का और उस साइड का व्यू दिखाते हैं। तो भाई अभी हम जहाँ पे थे वहाँ पे बड़े झरने के पास, उससे हम 500 मीटर और अंदर आए हैं, ठीक है। वहाँ थोड़ा खड़ा चढ़ाई था, वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरा पैर पानी में चला गया, तो यार पूरा जूता गीला हो गया, बट कोई ना। और यहाँ ये देख लो छोटा सा झरना है, ऐसे मतलब यहाँ आ सकते हो नहाने के लिए, बस ऐसा है भाई। यार अपन पहुँच गए फाइनली झरने के पास जहाँ अपन नहाएंगे। ओ भाई ये देखो भाई नहा रहे, ओ का भाई कहाँ चढ़ गया भाई, ये 30 से 40 फीट ऊपर है। बढ़िया अभी चलते हैं नहाते हैं, अपन भी बस फुल रेडी है भाई, चश्मा लगा के बढ़िया। और भाई ये जो जगह यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि ये अभी मैं आपको आगे बताऊँ यहाँ कम लोग क्यों आते हैं, अभी फिलहाल एंजॉय करते हैं आराम से भाई, आराम से। चलो भाई बढ़िया नहाते हैं।
और ये देखो भाई हमने नहा लिया और उसके बाद भीड़ कितनी बढ़ गई। देखो भाई पूरा म्यूजिक सिस्टम ये सब लेके आए हैं, फुल डीजे पार्टी। और यहाँ से सीन देखो भाई, क्या नज़ारा है भाई, दिल खुश हो गया भाई, मज़ा आ गया। अब अपन जा रहे थोड़ा आगे वहाँ तक, वहाँ से थोड़ा व्यू का मज़ा लेते हैं। और भाई वो लड़के को देखो कहाँ चढ़ा है, वो तिनका सा जो दिख रहा है हो ना। सो यार द मोस्ट अवेटेड सीन जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, जो हमने इतनी चढ़ाई बस ये सीन देखने के लिए किया था। तो 3 2 1 गो। ये देखो भाई, वाह क्या बात है, ये भाई सीन मतलब बहुत तगड़ा, मतलब इतना यहाँ शांति है भाई। और अभी भीड़ थोड़ा बढ़ गया है, बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा जगह। सो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, ठीक है। अगर आप भाई चढ़ सकते हो, आप इतने थोड़े फिट हो कि हाँ आप थोड़ा ऊपर चढ़ सकते हो, 1 किलोमीटर है चढ़ना, ठीक है। ऑफ कोर्स 30+ के एज वाले यहाँ नहीं आ सकते, इतना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो एक्टिव हैं वही लोग आ सकते हैं। क्योंकि अभी एक लेडीज़ थी वहाँ बैठ के, वो रो रही थी कि कहाँ लेके मुझे आ गए, वो नहीं चढ़ पा रही थी, तो वो मतलब कैसे कैसे करके आई है। तो थोड़ा स्ट्रगल है भाई, ठीक है, लेकिन वो चढ़ाई के बाद जो व्यू दिखता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्टेयर्स नहीं बनाए कि आप चढ़ के आ जाओगे, ठीक है। और झरना भी थोड़ा आना चाहिए। नरेश भाई फोटो खींच रहे हैं, और ये देखो भाई यहाँ से झरना, बहुत सारा झरना है, किधर है फिर उधर भी था, और उधर अपन जो नहा रहे थे। तो भाई जैसे हम शिशुपाल पर्वत से नीचे उतरे, तो कुछ लोग बोले कि यहाँ पास में एक डैम है। भाई ये डैम देखो, मज़ा आ जाएगा, ये पहाड़ों से पूरा घिरा हुआ, बीच में नदी तालाब जो बोलना है बोल सकते हो, क्योंकि तालाब इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि पानी उधर भी जा रहा है, तो हो सकता है कि नदी हो भाई, ठीक है, क्योंकि देखो उधर भी पानी जा रहा है। पहले ये व्यू देखो, दिल खुश हो जाएगा, ये देखो भाई पूरा पहाड़ों के बीच में, और वो देखो उधर भी जा रहा है, तो उधर में भी नदी होगा। ए भाई नज़ारा देखो, क्या सीन है भाई, दिल खुश हो गया, वाह। सो आप यहाँ पे आ सकते हो अगर आप शिशुपाल पर्वत घूमने आए हो, तो जैसे ही आप वहाँ घूम के फिर जैसे ही वापस जाओगे, तो उधर से राइट साइड एक रास्ता जाता है, उधर आ सकते हो। बढ़िया, लोग फिशिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, और क्या चाहिए यार जीवन में, सुकून, ये है पीस भाई। Please select the parking mode if you need assistance.